अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वांटेड फूड। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें, आज हम ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी एक रेसिपी लेकर आए हैं, बिल्कुल सिंपल इजी, और जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि सबकी ही फेवरेट होगी। आज हम लेकर आए हैं सिंपल मज़े से बनाएंगे दाल चावल, और हम ये बनाने जा रहे हैं ये ऑरेंज वाली आएंगे जिसे कहते हैं मसूर की दाल, जिसको हमने धो दिया था। अच्छा, इसको बनाने से पहले क्या है कि अगर आप कोई भी दाल बनाने जाएं तो उसको अगर आधा घंटा पहले या एटलीस्ट 20 मिनट्स पहले आप इसको भिगो दें तो उसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा आता है, मतलब अच्छा आएगा, थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा ही खासा अच्छा आएगा। तो ये मैंने भी धो दी थी और फिर आधा घंटा भिगो दिया था, और उसका पानी अब मैंने ड्रेन कर लिया है, और ये मैंने 2.5 कप पानी लिया है। इसको मैंने जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये बॉयल होगा तो हम अपने इसमें दाल डालेंगे। हम दाल ऐसी ज़बरदस्त सी गाढ़ी सी मज़े से बनाएंगे, हर दिल अजीज, जो कि बहुत मज़े से खाई जाएगी। अच्छा, ये देखें हमारा पानी बॉयल हो चुका है। अब हमने ये हमारी 1 कप जो दाल थी, हम ये सारी दाल अपनी जो है वो इसमें डाल देंगे, केयरफुल, आराम आराम से, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। सारी अच्छे से जो है वो उसमें चली जाएगी। ये देखें, और अब हम अपने ये कुछ स्पाइस इंग्रेडिएंट्स हैं ये डाल देंगे। ये मेरे पास 1 टीस्पून क्रश पेपर है यानी कुटी हुई मिर्चे, 1 टीस्पून टर्मेरिक है यानी कि हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है यानी कि पिसी हुई मिर्चे, 1 टीस्पून सॉल्ट है, नमक, तो ये चला जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों को मिर्चे कम ज़्यादा करनी हो तो सब टू यू, लेकिन ये मैंने वो क्वांटिटी से डाली है जिसको मैं खुद भी इतनी ही स्पाइस लेती हूँ, और बस इसको आराम से सब बच्चे बड़े आराम से खा लें। ये मेरे पास 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिंजर गार्लिक का, तो ये हम चला जाएगा, और हम सबको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे, और इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ये ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स में हो जाएगी। अच्छा, दाल के यानी के जो भी दाल बीन्स होती हैं, इसके अल्लाह ताला ने अपने ही फायदे रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, तो इसको यूज़ जो है वो एटलीस्ट वीक में 2-3 टाइम्स करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो ये देखें, ये हमारा अच्छे से, इसको थोड़ी देर पर आप चलाते रहिएगा तो इसको बहुत अच्छा जो है वो ये इसका गलेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए मिलते हैं 20 मिनट्स में। अच्छा, ये देखें, ये हमारी जो है वो दाल फुल कुक हो चुकी है। मैं इसको हर थोड़ी देर पर इसका स्पून चलाती रही तो ये देखें अच्छे से ये घुट गई है। अगर आप हर थोड़ी देर पर इसको चलाते रहेंगे ना तो ये अच्छे से मैश भी हो जाएगी और घुट भी जाएगी, तो इस पर हमें फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दाल तो वैसे भी इतनी सिंपल है कि इजी कुक हो जाती है। अच्छा, ये मेरे पास कोरिएंडर है, हरा धनिया, और ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, तो ये हम डाल देंगे इसमें अपना सारा, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने अपने 1 कप ये चावल भी बॉईल कर लिए हैं। चावल तो बस आपने, अगर आपको 2 कप यानी कि 2 कप आप पानी लेंगे और 1 कप चावल लेंगे, उसको अच्छी तरीके से बॉईल करने का, जो पानी बचेगा वो आप उसको ड्रेन कर लें, क्योंकि अगर आपको चावल बॉईल करना है तो उसका पानी आप ड्रेन कर लें तो वो आपके लिए हेल्दी भी रहता है और वो बॉयल अच्छे भी लगते हैं। ये नहीं करेंगे आप उसी में पानी डाल के उसको बस पानी ड्राई हो जाए आपने, नहीं, उसको आपका ये हेल्दी, एक ये टिप है, एक हेल्दी तरीका है। तो ये देखें, अब हम इसमें अपना भंगार लगाएंगे। अच्छा, ये देखें, हमने भंगार के लिए अपना एक पैन रख दिया है, इसके अंदर हम 4-5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ये देखें, और अपना हमने दाल का चूल्हा बंद कर दिया है,
और ये मेरे पास जो हम ये रोस्टेड जीरा है ये 1 टीस्पून, ये 3-4 गार्लिक हैं इसको मैंने छोटा मोटा मोटा काट लिया है, ये 2 बे लीव हैं, और ये जो ड्राई सूखी जिसे कहते हैं मिर्चे ये हैं मेरे पास 3, यानी कि आप साबुत मिर्चे भी डाल सकते हैं और ये भी सेम बात है, तो ये चला जाएगा। हमारा गार्लिक लाइट गोल्डन सा हो गया है, जीरा सब चीजें भंगारो रेडी हो चुका है, तो अब हम इसको बहुत ही केयरफुल तरीके से अपनी दाल में डाल देंगे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से। ये देखें हमारा भंगार चला गया है, अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। इतनी जबरदस्त स्मेल आ रही है, अब हम अपने इसको डिश आउट करेंगे। गुडनेस, बहुत ही जबरदस्त स्मेल है ये सारी। ये देखिए हमने सारी अपनी डिश आउट कर ली है दाल, अब हम इस पे थोड़ा सा अपना कोरिएंडर धनिया जो है वो और डाल देंगे। तो ये देखें हमारी मजेदार सी दाल चावल कितने क्विकली रेडी हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मुझे कमेंट करके बताया भी करा करें कि आप लोगों को, वैसे तो आप लोगों के कमेंट मिलते हैं कि कैसी लगी, तो और मुझे बताएं कि आप लोगों को अगर वेट लॉस की रेसिपी भी चाहिए तो आप लोग मुझसे बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं एक और जबरदस्त सी रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।